देखिए दिल्ली में हम देखें कि किस तरह से घमासान, सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आप कार्यनीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की है, उपराज्यपाल ने, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल तिलमिलाए हुए हैं, क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम गंभीर जी, आपका बहुत स्वागत है। आप किस तरह से पहली प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत इसमें तो वीर सावरकर को भी एंटर कर दिया गया है, इसमें भगत सिंह को भी बीच में लेकर आया गया है, औलाद को भी बीच में लेकर आया गया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी कि केंद्र सरकार मिसयूज कर रही है अपने पावर का। देखिए, बहुत बेशरम है वो लोग जो भगत सिंह जी के नाम पे राजनीति करते हैं। इस जन्म में तो नहीं, अगले 100 जन्म में भी वो भगत सिंह नहीं बन सकते। और जहां तक उन्होंने वीर सावरकर जी की बात करी है कि हम वीर सावरकर जी के औलाद हैं, उनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से जाके ये सवाल पूछे कि कितनी बार माफी मांगी है कोर्ट में जाके। कम से कम घर में कोई तो शीशा होगा जहां पर अपनी शक्ल देखते होंगे। कितनी बार माफी मांगी है पहले, और कितनी बार आगे जाके माफी मांगेंगे। और जहां तक बात करते हैं लिकर पॉलिसी की, अगर एलजी साहब ने यह बोला है कि जांच होनी चाहिए तो जांच होनी चाहिए। अगर आप इतने ही साफ सुथरे हैं, अगर आप इतने ही ऑनेस्ट हैं, अगर आप पूरे देश में यह गाते हैं कि हमारी सरकार सबसे ईमानदार सरकार है, तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए और बाहर आ जाइए साफ सुथरा। अगर कुछ छुपाने को है तभी तो डर है इन्वेस्टिगेशन का। अगर कुछ छुपाने को नहीं है, जिसकी जिंदगी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में रहती है, उसको किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप भी तो इतनी जोर जोर से ढंडोरा पीटते हैं कि सबसे ज्यादा ईमानदार सरकार हमारी, सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी मैं इस देश में, तो फिर किस चीज का डर है। और यह सच्चाई है कि जब दिल्ली को कोविड के वक्त में राशन की जरूरत थी तो लाखों माइग्रेंट लेबर्स को दिल्ली से बाहर भगाया गया। जब दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो उस पर गंदी राजनीति की गई। और उसी वक्त पे आप सबको याद होगा, पूरे दुनिया, दिल्ली में, पूरे देश में सबसे पहले जहां ठेके खुले थे तो वो दिल्ली सरकार ने ही खोले थे। जब लंबी लंबी लाइनें लगी थी, जब कोविड के ये जो लॉकडाउन के जो प्रोटोकॉल्स थे, गाइडलाइंस थी, इनको सबसे जल्दी पहले दिल्ली सरकार ने खत्म किया था। क्योंकि उस वक्त पे अपने जो लिकर माफिया है, पैसे चाहिए थे, पैसे कमाने थे इनसे, इनको अनड्यू फेवर्स दिए गए हैं जिससे कि वहां से जो पैसे इकट्ठे हुए उससे आप बाकी स्टेट्स में इलेक्शन लड़ सकिए। उस वक्त पे भी उनको, ऐसे आदमी को देश की चिंता नहीं थी, दिल्ली की चिंता नहीं थी, सिर्फ पैसे कमाने की चिंता थी। तो इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता है। लेकिन गौतम गंभीर जी, वो तो उनका आरोप है, साफ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी डर गई है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है पूरे देश भर में, हम पंजाब जीत गए, दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया का जो स्कूल मॉडल है वो पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन चुका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इससे घबरा गई है, केंद्र की सरकार घबरा गई है। देखिए, इस जन्म में तो नहीं घबराएगी, अगला जन्म लेना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जी को और उनकी पार्टी को, कि अगर हम उनसे घबराएं। क्योंकि जो ये एजुकेशन की बात करते हैं, वैसे कोई उनसे ये सवाल पूछता नहीं है। पिछले 7 साल में किसी ने अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछा नहीं। आई होप कि आप अपने माध्यम से एक दिन सवाल पूछेंगे। पिछले 7 साल में कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल दिल्ली में खोले गए हैं, कितना पैसा आप ये बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया गया, कितना। इन्होंने तो बोला था कि हम 100 स्कूल, 100 कॉलेज, 100 हॉस्पिटल, जन रसोई 100 खोलेंगे, एक भी खुली है? एक फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हुआ है पिछले 7 साल में। ये जो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल सिर्फ इनके 2 ही मॉडल हैं। पहला मॉडल ये है कि ये जो बिजली कहते हैं कि हम मुफ्त में देते हैं, ये जो सारी बिजली का खर्चा है, 11 लाख घर दिल्ली के पूरी बिजली का खर्चा उठाते हैं। और जो ये फ्री पानी की बात करते हैं, आज आप दिल्ली में पूरी जनता, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए किस तरीके का पानी उनके घर में आता है, क्या पीने लायक पानी आता है, क्या आपके घर में पीने लायक पानी आता है। आप एजुकेशन की बात करते हैं ना, बताइए बाहर आके के 7 साल में कितने स्कूल खोले हैं आपने, कितने नए कॉलेजेस खोले, क्यों नहीं बताते? क्या ये दिल्ली मॉडल? दिल्ली मॉडल सिर्फ 2 है, करोड़ों रुपए टैक्स पेयर के एडवर्टाइजमेंट पे लगाओ, बड़े बड़े एड दो, अपनी शक्ल चमकाओ, अपनी राजनीति चमकाओ, दिल्ली की जनता को उनके हाल पे छोड़ दीजिए, और कोई दिल्ली मॉडल नहीं है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को पहले फंसा दिया गया, गलत आरोप लगाकर मिसयूज किया गया, पावर का दुरुपयोग किया गया है, ईडी सीबीआई सब कुछ छोड़ दिया गया, कुछ हासिल नहीं हुआ, अब मनीष सिसोदिया को भी फंसाने की तैयारी चल रही है। देखिए, मैंने आपको पहले ये बात बोली है कि फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इतने सच्चे, अगर आप इतने ईमानदार है, अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है, तो फिर किस चीज की घबराहट, किस चीज की तिलमिलाहट? अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत किया नहीं है, कल अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो आप मेरे को किसी भी एजेंसी के सामने बिठा दीजिए, मैं सामने बैठ के उनके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब दूंगा। अगर आप खुद ही तो कहते आए हैं कि मनीष सिसोदिया जी या फिर अरविंद केजरीवाल जी खुद ही तो चिल्लाते हैं कि सबसे ज्यादा ईमानदार है हैं हम, तो फिर इसमें डर किस चीज का इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने का? अब ये तो उनसे पूछिए ना,
अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर आपका लिकर माफिया के साथ किसी तरीके का कोई टाइप नहीं है, अगर आपने उनको कोई फेवर नहीं दिया तो किस चीज का डर है? गौतम जी, इसके पीछे तिलहट क्या दिखाती है? ये बकवास जो ये तमाम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वीर सावरकर को लेकर या फिर भगत सिंह की एंट्री होती है, औलाद तक पहुंच जाती है, इसके पीछे की भूमिका क्या है? क्या सिंगापुर वाला अगर उनको अर्जी खारिज हो गई, नहीं जाने दिया गया, ये भी वजह मानते हैं आप? सिंगापुर जाके क्या दिखाना चाहते हैं? क्या दिल्ली मॉडल? पहले दिल्ली की जनता को तो दिल्ली का मॉडल बताइए। फ्री बिजली और फ्री पानी के अलावा, वो भी फ्री बिजली नहीं है, ये सब बहुत बड़ा झूठ है। 11 लाख परिवार, जैसे मैंने आपको बोला, 16,000 करोड़ जो 20,000 करोड़ बिजली कंपनी को जाता है, जिसमें से 16,000 करोड़ 11 लाख परिवार देते हैं, जो 4,000 करोड़ की जो सब्सिडी जाती है दिल्ली सरकार की, वो भी टैक्स पेयर का पैसा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से उठा के बिजली कंपनी को दिया जाता है। ये दिल्ली मॉडल है। सिर्फ अपनी इमेज बेहतर करने के लिए जाना चाहते हैं सिंगापुर। पहले तो ये कहते थे कि दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाएंगे, अब क्या सिंगापुर को दिल्ली बनाएंगे या दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे? ये तो उनसे पूछिए। लेकिन और इतने बड़े नेता अभी नहीं हुए अरविंद केजरीवाल जी कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी को उनसे कोई डर हो। लेकिन गौतम गंभीर, आखिर सिंगापुर अगर चले जाएंगे तो इससे घबराहट क्या है, क्या परेशानी होगी? क्योंकि वो तो दावा कर रहे हैं कि मुझे सिंगापुर नहीं जाने दिया जा रहा है, हम वहां से कुछ सीख कर वापस आएंगे। अरे मुझे आप ये बताइए, सिंगापुर तो वो तो मेयर्स की बैठक है ना, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जब यहाँ पर, दिल्ली को जरूरत है उनकी, जब यहाँ पर मॉनसून शुरू होने वाले हैं, फिर से कभी कहीं चले जाते थे, जब भी जरूरत होती थी, जब कोविड का वक्त आता था तब भी अंडरग्राउंड हो जाते थे, जब भी दिल्ली को उनकी जरूरत हुई है वो दिल्ली से बाहर गए हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने तो जाना चाहते हैं। दिल्ली मॉडल क्या है आप ये तो बताइए, क्या है आपका दिल्ली मॉडल? आप एजुकेशन की बात करते हैं, सिंपल एक सवाल है, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का जवाब दे दीजिए। 7 साल में कितने नए स्कूल खोले आपने? नहीं, मनीष सिसोदिया तो अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि 18 लाख बच्चों को पढ़ाया गया, मुफ्त शिक्षा दी गई, तमाम स्कूल खोल दिए गए, यहाँ तक कि अमेरिका की जो फर्स्ट लेडी है वो भी आती है स्कूल में, स्वागत होता है, और तमाम देशों के। जी आप, मैं आपसे कह रहा हूं, उन्होंने बोला ना कि तमाम नए स्कूल खोले गए, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है उनसे इतना पूछ लीजिए, दिल्ली में कहां पर खोले गए, किस जगह खोले गए, हम वहां पर जाके देखाएंगे। एक अगर स्कूल का ये बता दें कि इन्होंने नया स्कूल कहां खोला है, नया कॉलेज दिल्ली में कहां खोला है, तो ये स्टेटमेंट्स क्या है? हवा हवाई आते हैं सामने, चैनल पे आपके माध्यम से माफी मांगने के लिए आप पूछ लीजिए, ये हवाई तो उनकी तरफ से आप पूछ लीजिए। मैं तो आपको कह रहा हूं कि अगर उन्होंने कोई नया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले हो तो मैं आपके माध्यम से माफी मांगने के लिए रेडी हूं उनसे, मैं आपके माध्यम से इतनी बड़ी चीज कह रहा हूं नेशनल चैनल पे। बताएं तो सही, दिल्ली में कहां खुले हैं ये, कहां पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने फ्लाईओवर खुले हैं उन्होंने पिछले 7 साल में, मॉडल है क्या ये तो पूछिए आप लोग। आप लोग पूछते नहीं है, वो जवाब देते नहीं है, इसमें हमारी गलती तो नहीं है। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसी तरीके से अगर दिल्ली का हाल चलता रहा, आगे आने वाले 10 साल में दिल्ली रहने लायक जगह नहीं रहेगी। आप भी अपने बच्चों को दिल्ली से बाहर भेजेंगे, मैं भी अपने बच्चों को दिल्ली से बाहर भेजूंगा। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले झूठ तो बोलता ही था, अब ठग भी बन चुका है, और अनफॉर्चुनेटली उसको सिर्फ सत्ता का लालच है। उस कुर्सी पे बैठने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है, खालिस्तानियों से समर्थन भी कर सकता है, पंजाब में सरकार बनाने के लिए दिल्ली की जनता को बेहाल भी कर सकता है, लिकर माफिया से हाथ मिला सकता है, और उसका कोई भी मॉडल नहीं है। अगर उन्होंने स्कूल खोले हैं, स्कूल का हमारे को पता बताइए कहां पर खोले हैं, हम वहां पर जाके देख लेते, हम भी नहीं जाते, आप ही चले जाइए। हम तो चलो राजनीति करते हैं ना, आप ही चले जाइए अपने माध्यम से सिंगापुर में, दिखा दीजिए दिल्ली की जनता को, दिखा दीजिए कि कहां का नए स्कूल खुले हैं। बहुत शुक्रिया गौतम गंभीर जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो किस तरह से सियासी घमासान अभी छिड़ा हुआ है, जो कि आगे बदस्तूर जारी है, आप देख रहे हैं।